आफ्टर द जाइलम मूवमेंट ऑफ वाटर ओनली एंड सॉल्वेंट ओनली, अब हम आगे आ चुके हैं फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट पे, और अभी हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन। अब तक हमने किया था वाटर ट्रांसपोर्ट एंड दैट वाज ओनली विद द हेल्प ऑफ जाइलम, बट नाउ द जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर इन्वॉल्व। और दिस इज मी विजय, यू आर ऑन बायोलॉजी सेंट्रल। चलिए शुरू करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम, और इसको एक और नाम दिया जाता है मास फ्लो। पिछली वीडियो में हमने एसेंट ऑफ सैप कर लिया था, दैट वाज बल्क फ्लो। यू कैन चेक इट आउट ऑन आई बटन। फॉर इंस्टेंस द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट इज बाई डायरेक्शनल। अब जो जाइलम है उसका कंपैरिजन हम इस तरह से करते हैं कि जो फ्लोएम है उसका मूवमेंट हमेशा बाई डायरेक्शनल रहता है। देखिए, जहां पर भी जरूरत होती है किसी भी चीज की, उसे हम सिंक बोलते हैं, ठीक है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, तो जब रूट से और लीव्स तक कोई चीज, देन इन दिस केस फ्रॉम रूट, रूट आर सोर्स एंड लीफ आर सिंक। सेकेंड कंडीशन, लीफ आर द सोर्स एंड अदर पार्ट्स आर सिंक। सो ये दो चीजें सबसे पहले आपके पास हैं कि जो जाइलम का फ्लोएम का मूवमेंट है वो हमेशा बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शन का मतलब है दैट इट कैन मूव फ्रॉम रूट टू लीफ एंड ऑल्सो इट कैन टेक समथिंग फ्रॉम द लीफ एंड इट कैन मूव टू द अदर पार्ट्स। नाउ द पार्ट्स कैन बी द ग्रोइंग रूट्स, द पार्ट्स कैन बी द स्टोरेज ऑर्गेन्स और एनी अदर पोर्शन वेयर हॉर्मोन्स और समथिंग आर नीडेड। थर्ड थिंग इज रीमोबलाइजेशन। नाउ दिस रीमोबलाइजेशन इज वेन अ पार्ट ऑफ एनी प्लांट इज अबाउट टू एंड, जब वो खत्म होने वाला है, जब मरने वाला है, तो उस वक्त क्या होता है, उसके अंदर से जितने भी मोबिलाइज किए जाने लायक न्यूट्रिएंट्स हैं उन सबको रिवर्ट बैक करके, और जो चीजें सिंक में हैं, जैसे लीफ हैं जो जहां पर कंटिन्यूअसली फोटोसिंथेसिस चल रही है, तो उस जगह पर उन्हें भेज दिया जाएगा। एंड इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मैग्नीशियम का, फॉस्फेट का, पोटेशियम का, क्लोरीन का, सल्फर का। बट कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें सेंड नहीं किया जा सकता। फॉर इंस्टेंस वी हैव कैल्शियम। सो कैल्शियम पैक्टेट कहाँ यूज होता है प्लांट में, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, यू कैन कमेंट डाउन द आंसर। अब बात करते हैं दोबारा से ट्रांसपोर्ट की, तो मिनरल अपटेक है दिस। नाउ व्हाट आर मिनरल्स, मिनरल्स आर सोल्यूट, और सोल्यूट का ट्रांसफर जो है हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होगा। एब्जॉर्प्शन इज विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, द ट्रांसपोर्ट इज विद एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि जो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है रूट हेयर्स पे, दैट डज नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ सोल्यूट। तो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करना किसी चीज में, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और यहां पर जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है दैट विल बी एम्प्लॉयड। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट दो हैं, एज वी हैव आल्सो स्टडीड अर्लियर। एक होती है रेडियल, दैट इज फ्रॉम द आउटर रूट हेयर से सेंट्रल कोर्टेक्स, देन टू एंडोडर्मिस, देन रीचेस द पेरिसाइकिल, एंड देन फाइनली मूविंग ऑन टू द जाइलम। तो ये चार पांच तरीके के सेल होते हैं, ये एक्टिवली अपटेक करेंगे मिनरल्स को, then it will provide to the cortex, then to endodermis, then to pericycle, and finally it will reach into the xylem. Now talking about the minerals which are present, जो भी inorganic solutes हैं वो सब के सब water current की help से और xylem की help से upward movement करेंगे। but अगर roots के अंदर कोई भी solute जो है वो inorganic condition से organic condition में change हो जाता है, at that case the organic content can only be transferred with the help of phloem, ठीक है। और phloem में भी particularly sieve tubes present in angiosperms only, non angiosperm जितने भी plants है they have sieve cells, ठीक है। तो ये है रेडियल मूवमेंट, और रेडियल मूवमेंट में रूट हेयर से जाइलम तक आप लोगों को पता है दो तरीके के पाथवे होते हैं, वन इज एपोप्लास्ट एंड वन इज सिम्प्लास्ट। What is apoplast? The movement of something between the walls, यानी intercellular spaces में से जब भी कोई चीज move करती है वो चीज finally आगे की तरफ बढ़ती रहेगी, solutes आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे, and
एंडोडर्मिस दैट द सेल्स हैव द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. इन सेल्स के पास क्या प्रेजेंट है? कैस्पेरियन स्ट्रिप. अब इंटरवॉल ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, ठीक है जी, इंटरमोलिक्यूलर इंटरसेल्यूलर स्पेस में से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता. बट अगर ये जो एंडोडर्मिस है ये ब्रोकन है, देखिए जब प्लांट कंटिन्यूअसली सेकेंडरी ग्रोथ करता है, सेकेंडरी डिविजन्स होती हैं उसमें जाइलम के अंदर, तो प्रोटोजाइलम के जस्ट ऑपोजिट जो भी एंडोडर्मिस प्रेजेंट होता है, समटाइम्स द एंडोडर्मिस इज ब्रोकन, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर ब्रोकन, एंड समटाइम्स द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर नॉट इवन प्रेजेंट. तो उस कंडीशन में सिर्फ ये मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू रह सकती है, वरना जो सारा मूवमेंट है वो प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू इंट्रा मेम्ब्रेनस कंडीशन से होगा, एंड फाइनली इट विल मूव इनटू द जाइलम. देन इट विल मूव अपवर्ड्स विद बोथ द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, एंड अपवर्ड मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ सीव ट्यूब्स नॉर्मली एंड वेसल्स एंड ट्रकीड इन जाइलम. सो it was first of all described by Hoagland and Staudt in 1939 with the help of radio labeled potassium and phosphorus. This is potassium and this is phosphorus. ठीक है, ये दोनों चीजें जो हैं वो अपटेक की जाती हैं फ्रॉम सोयल, और अगर इन्हें रेडियो लेबल कर दिया जाए तो विद द हेल्प ऑफ ऑटो रेडियोग्राफ हम ये चीज पता कर सकते हैं कि ये रेडियो एक्टिविटी जो है वो प्लांट में पर्टिकुलरली किस जगह पर प्रेजेंट होगी. ठीक है, एक छोटा सा प्लांट अगर हम बना के देखते हैं, ठीक है, यहां से फॉस्फोरस जो है वो रेड कलर इज फॉर रेडियो एक्टिविटी, तो रेड कलर में से पोटेशियम और दूसरा फॉस्फोरस एंड पोटेशियम दोनों को अपटेक किया था, तो अब ये पता चल सकता है कि यहां से जो अपवर्ड मूवमेंट हो रही है ये या तो जाइलम के अंदर हो रही है और या तो फ्लोएम के अंदर हो रही है, एक थ्योरी. दूसरी थ्योरी इसमें थी गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, गर्डलिंग एरिया. तो इस चीज का पता लगाने के लिए एक जो प्लांट है दैट प्लांट इज उसे काट दिया जाता है फ्रॉम द साइड्स, और कहां तक काट दिया जाता है, वहां तक काट दिया जाता है जहां पर फ्लोएम जो है वो बीच में से ब्रेक डाउन हो जाए. इसे बोलते हैं स्टीम किलिंग, या इसे बोलते हैं गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट. ठीक है, स्टीम किलिंग और गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट. तो देखा क्या गया था, इट वॉज सीन दैट Not only the lower area but the upper area both goes swollen up. ठीक है, ये थोड़े थोड़े से अपने साइज में इंक्रीज हो गए थे. एक तो तरीका ये था रेडियो एक्टिव के हेल्प से, और दूसरा तरीका जो ये मैं आपको बता रहा हूं, these were swollen up. Why they were swollen up? Because यहां से जब भी ट्रांसपोर्ट जो है वो कट चुका है तो लोअर मटेरियल एंड अपर मेटीरियल बोथ ऑफ द मेटीरियल विल बी स्टॉप्ड एंड कंटिन्यू टू एक्यूमुलेट इन दिस पर्टिकुलर एरिया मेकिंग देम स्वॉलन अप. दिस वॉज गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, दिस वॉज द ऑटो रेडियोग्राफ एक्सपेरिमेंट फॉर द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट. तो ये जो अभी तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कंप्लीटली, दिस इज अ डिटेल्ड वर्जन ऑफ द मूवमेंट फ्लोएम ट्रांसपोर्ट एंड ऑल्सो विद द मिनरल ट्रांसपोर्ट. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आगे अगर जब भी ये स्लाइड आपको यूज करना हो तो इसमें आपको प्रॉब्लम ना आए. सो वी आर नाउ ऑन टू द मास फ्लो हाइपोथेसिस, और ये दिया था अर्नेस्ट मंच ने 1930 में. इसमें जो है फ्लोएम की मूवमेंट आपको दिख रही होगी, ये सोर्स है और ये है सिंक. हम सोर्स, व्हेन द सोर्स वाज रूट एंड द सिंक वाज लीव्स, तो उस तक हम बात कर चुके हैं. एसेंट ऑफ सैप जो है आप उसको आई बटन पे चेक कर सकते हैं या इस वीडियो के अंत में आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा. अब देखिए ये है सोर्स और यहां पर फोटोसिंथेसिस हो रही है. फोटोसिंथेसिस के हेल्प से जो ग्लूकोज शुगर है दैट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू डाइसैकेराइड. ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज
सुक्रोज. तो ये सुक्रोज जो है इन दिस फॉर्म इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लीव्स टू द सिंक. यू कैन से इट स्टोरेज पार्ट और एनी अदर ग्रोइंग पार्ट. हमने इसको स्टोरेज सेल लिखा है बट ये कुछ भी हो सकता है. ठीक है, कहीं पर प्लांट को जो है चोट लगी है, कहीं से कट लगा है, उसको रिपेयर करना है, कहीं सेल जो है डिवाइड हो रहे हैं कंटिन्यूअसली वहां पर, या वो कोई भी ऑर्गन उसका स्टोरेज ऑर्गन की तरह एक्ट कर रहा है, या जो रूट की ग्रोथ है, तो वो सब चीजें जो है सिंक की तरह काम करेंगी. और सोर्स में लीफ में देखिए इस सेक्शन में क्या चल रहा है. दिस इज अ फाइन वेनलेट जो बिल्कुल एंड पोर्शन है, वहां पर जो मीजोफिलिक सेल है दे वर कंटिन्यूअसली प्रोड्यूसिंग द ग्लूकोज एंड इट इज कन्वर्टेड नाउ इनटू द सुक्रोज. तो ये जो सुक्रोज है दिस विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मीजोफिलिक सेल्स टू द जाइलम सीव ट्यूब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जैसे ही ये सीव में एंटर करता है, जाइलम और फ्लोएम वहां पर दोनों प्रेजेंट होते हैं, इट विल कंटिन्यूअसली स्टार्ट टू मूव बैकवर्ड्स टुवर्ड द सिंक. अब वो किस तरह से होगा, जाइलम जो है इसके अंदर वॉटर प्रेजेंट है. ठीक है, आप लोग जानते हैं कि जाइलम में जब भी यहां पर नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है तो और ज्यादा वॉटर ऊपर की तरफ आएगा विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी एक्शन, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपायरेशन पुल या रूट प्रेशर की हेल्प से. ठीक है, तो ये जो है जाइलम, यहां पर जैसे ही सुक्रोज लोड हुआ वैसे ही यहां सोल्यूट कंसेंट्रेशन क्या हो गई, हाई. सोल्यूट कंसेंट्रेशन हाई, जब भी सोल्यूट कंसेंट्रेशन हाई होती है तो उस जगह का वॉटर पोटेंशियल क्या होता है, लो हो जाता है. देन द वॉटर फ्रॉम जाइलम विल मूव इन टू द फ्लोएम एंड ट्राई इट टू मेक इक्विलिब्रियम, बट इतना सारा सुक्रोज है कि वो चीज कंप्लीटली कवर अप नहीं हो सकती, एंड दिस लीड्स टू अ कंडीशन ऑफ हाई टर्गर प्रेशर. अब इस जगह पर हाई टर्गर प्रेशर है बिकॉज ऑफ एक्सेस प्रेजेंट ऑफ H2O अलोंग विद सुक्रोज. ठीक है, यहां पर क्या हुआ था, ये जो सिंक है इसने इस साइकिल से पहले जो भी सुक्रोज आया था उसको एक्टिवली अपटेक कर लिया, एंड नाउ द सोल्यूट पोटेंशियल वी कैन राइट इट डाउन एज साई एस. सोल्यूट पोटेंशियल इज लो, सो वॉटर पोटेंशियल इज हाई, एंड वॉटर विल मूव टूवर्ड द जाइलम. जाइलम में मूव करता है, यहां पर पॉजिटिव प्रेशर जनरेट हुआ, यहां पर नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट बनता है, वॉटर विल मूव अपवर्ड बिकॉज ऑफ लो टर्गर प्रेशर एरिया. अब यहां से अगर वॉटर पोटेंशियल ज्यादा है, सोल्यूट पोटेंशियल कम है, वॉटर इधर मूव कर रहा है, दिस एरिया विल बी टर्गर प्रेशर विल ऑल्सो बी एट लोअर साइड. वट विल हैपन, द हाई टर्गर प्रेशर टू लोअर टर्गर प्रेशर, देयर विल बी अ मूवमेंट ऑफ वॉटर अलोंग विद सुक्रोज. So what will happen? This area is now replenished with more sucrose. ठीक है, and again a cycle of active transport will be ongoing. तो ये क्या होगा, sucrose और ज्यादा इस cell के अंदर जाता चला जाएगा, and again the pressure the turgor pressure will be lower down, water potential will be high and solute potential will also be down. So क्या होगा, वॉटर मिल विल मूव अगेन दिस इन दिस एरिया. तो ये कंटिन्यूअसली एक जो साइकिल है, दिस साइकिल इज कीप ऑन मूविंग, एंड दैट्स हाउ द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, द मूवमेंट ऑफ फूड प्रेजेंट फ्रॉम सिंक फ्रॉम सोर्स विच इज लीव इन दिस केस लीव्स इन दिस केस एंड द सिंक विच आर स्टोरेज सेल और एनी अदर ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट इज द सिंक. So this is the complete movement of phloem, and thank you so much everyone for watching the video till the end, and I hereby welcome you all for subscribing my channel, and जुड़े रहिए मेरे साथ आगे की videos को देखने के लिए. Thank you so much.